हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस नंदन मौर्य। आज 5 में 30 डेज लाइव ट्रेडिंग चैलेंज के यहाँ पे दूसरे दिन है। चलिए देखते हैं कि मैंने आज के दिन अपना ट्रेड कहाँ पे प्लान किया था। मैंने आज के दिन जो अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान किया हुआ था वो मैंने यहाँ पर 9:40 की कैंडल पर प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 9:40 की कैंडल पर 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजिक यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे इस ट्रेड में यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पर SL है, SL यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे 20 31 पॉइंट्स का यहाँ पर SL है और 1:4 का टारगेट हम लोग को यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 126 पॉइंट्स का हम लोग को यहाँ पे टारगेट था। बट यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे जो ट्रेड लेना है वो हम लोग को यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पर लेना है। और यहाँ पर हम लोग प्रीमियम का चार्ट हम कैसे सेलेक्ट करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वैसे मैंने क्या कहते हैं हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे इस पर मैंने सेपरेट डिटेल्स में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर जो ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट होगा वो यहाँ पर मतलब हमारे जो एलर्ट कैंडल का यहाँ पे जो हाई बना हुआ वो हाई यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 24,371 पॉइंट्स का है। तो ठीक है, तो इसी के पास का मतलब इसका नियरेस्ट OTM या नियरेस्ट ITM कोई सा भी हम यहाँ पे ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो मेरा यही प्लान रहता है कि जैसे यहाँ पर ये 371 है तो इसके जस्ट पीछे जो राउंड फिगर नंबर मिलेगा तो इसके पीछे यहाँ पर हमें मिलेगा 350, तो हम यही प्लान करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। और मान लो अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये मान लो अगर यहाँ पे 90 होता तो यहाँ पे जो राउंड फिगर नंबर मिलता वो हमें यहाँ पर ये मिलता 24,400। तो हम यहाँ पे 24,400 का हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पर चूज़ करते हैं, मतलब जो राउंड फिगर नंबर हमारे पास पास में होगा हम उसी को प्लान करेंगे। बाकी इसके बाद का दूर का तो हमको यहाँ पे सोचना ही नहीं है, सिर्फ इसी के पास का। मतलब यहाँ पर ये अगर 391 चल रहा है तो मतलब यहाँ पर या तो 400 या तो 350, यही बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा प्रीमियम के चार्ट में हमें ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस अगर आप चूज़ करोगे तो उसमें थोड़ा सा भी अगर प्राइस क्या होगा होल्ड कर ले जाएगा या इस तरीके से अगर होल्ड कर ले जाएगा तो वहाँ पर प्रीमियम डीके होने की वजह से लॉस होगा। तो इन्हीं दोनों प्राइस को हमें यहाँ पर चूज़ करना होगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि नियरेस्ट जो ITM का होगा वही ट्रेड हमें यहाँ पर वही प्रीमियम हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा अभी प्रीमियम था वो यहाँ पर ये था 24,350 का। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो अपना यहाँ पर ट्रेड बना था इस ट्रेड में अगर यहाँ पर आप देखोगे ना यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर इसमें SL था, SL यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पर जो हम लोग का यहाँ पर SL था वो यहाँ पर 17 रुपये का यहाँ पर हमारा SL था और इसका यहाँ पे 1:4 का जो टारगेट होता है यहाँ पर ये अप्रॉक्स यहाँ पे 70 पॉइंट्स यहाँ पर 25 रुपये का हमारा यहाँ पर SL था। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस ट्रेड में यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे 1:4 का टारगेट था 1:4 का टारगेट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो था यहाँ पर से सीधा यहाँ पे ऊपरी तरफ मूव किया। यहाँ पर इस के पास यहाँ पर इस पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर नोटिस करना कि प्राइस जब इस लेवल के पास आया तो ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ पे 1:3 तक का टारगेट यहाँ पे बहुत ही इजीली 1 go में मिल गया था। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट्स में हम लोग को यहाँ पे 1:3 का टारगेट मिल गया। बट उसके बाद यहाँ पे देखोगे प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर से नीचे की तरफ यहाँ पे रिवर्स आ गया। और जब यहाँ पे प्राइस जब नीचे की तरफ यहाँ पे रिवर्स आने लगा तो ये जो कैंडल बना हुआ इस कैंडल पर, ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल बना हुआ इस कैंडल के क्लोजिंग पर मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को यहाँ पे कट कर दिया। और मैंने मुझे यहाँ पर जो आज के यहाँ पे प्रॉफिट हुआ मुझे यहाँ पे 3100 का यहाँ पे प्रॉफिट्स हुआ है। एक समय पर यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पर इस लेवल के पास था, यहाँ पे जब प्राइस इस लेवल के पास था तो इसमें यहाँ पर मुझे 9,500 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने मिला था। बट यहाँ पे प्राइस देख लो यहाँ पे नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे 9,000 का यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर देखकर हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे 3,000 के यहाँ पे प्रॉफिट्स बन क्या कहते हैं यहाँ पर बुक किया यहाँ पर। तो सोच सकते हैं यहाँ पे हमारे साइकोलॉजी किस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, मतलब कितने ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस में हमें यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ता है। बट हमें यहाँ पर अपना जो टारगेट होगा 1:4 का टारगेट, हमें 1:4 का टारगेट यहाँ पर लेकर चलना ही होगा। अगर हम यहाँ पर 1:4 का टारगेट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, 1:4 का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो अगर हमारे सेटअप की एक्यूरेसी 20% रहता है तो हम यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा सिर्फ जो ब्रोकरेज होगा जो टैक्सेज होगा उन्हीं का लॉसेज हमें हो सकता है। और अगर यहाँ पर इसकी जो एक्यूरेसी है 25% तक पहुँच जाता है, मतलब अगर आप हर ट्रेड में 1:4 कैप्चर करते हो तो यहाँ पर 25% की एक्यूरेसी में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो हमारा मकसद सीधा सिंपल से ये इसी को डिकोड करने का है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 1:3 पर मैंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे बुक नहीं किया, मुझे यहाँ पे 1:4 का टारगेट यहाँ पे चाहिए। अगर हमें यहाँ पे 1:4 का टारगेट चाहिए मतलब हम यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट्स हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो हम 1:4 से पहले मतलब जैसे यहाँ पर 1:4 का टारगेट हमने रखा था सीधा तो 1:4 मिलेगा नहीं, कई बार क्या होगा मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्स आ जाएगा मतलब यहाँ पर जो जैसे आज के दिन हुआ था यहाँ पर हमारा 9,000 का यहाँ पे प्रॉफिट था ये सीधा यहाँ पे रिवर्स हो गया, मतलब अगर मैं इस ट्रेड को कट ना करता तो यहाँ पे सीधा ये लॉसेज में यहाँ पे चला जाता है। मतलब प्रॉफिट तो छोड़ो, यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो सीधा लॉस में चला जाता है। हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे इंपैक्ट होगा। इन सब से बचने के लिए हमें यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना होगा। सो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर ये जो
ये जो स्ट्रॉन्ग बेरिस ये जो कैंडल बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल यहाँ पर ये 10:55 पर इसी पर मैंने यहाँ पर अपने डेट को कट कर दिया। और अगर यहाँ पे कट ना करते तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता। और यहाँ पे मेन चार्ट पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर जो प्रीमियम के चार्ट उस पर उतना अच्छे से यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, बट मेन चार्ट अगर यहाँ पर देखोगे प्राइस देख लो यहाँ पर जितना यहाँ पर रैली किया हुआ था ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। इसको यहाँ पर मैं डिटेल्स में यहाँ पर समझाता हूँ कि यहाँ पर सारा खेल था क्या, कि क्यों यहाँ पे ट्रेड को यहाँ पे कट कर दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा मार्केट में यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे मार्केट बेरिस मार्केट है और हमने यहाँ पे ट्रेड जो यहाँ पे प्लान किया हुआ वो यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे हमने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे फिबोनाची को इस लेवल से इस लेवल के पास यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्राइस यहाँ पे इस लेवल के पास यहाँ पर अपना होल्ड कैंडल का भी सेटअप यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। मतलब यहाँ पर पहले से यहाँ पर सेलर्स हावी हैं, तो ये जितनी भी बार ये ऊपर की तरफ जाएगा ये नीचे की तरफ यहाँ पर आने का यहाँ पर ट्राई करेगा। और यहाँ पर होल्ड कैंडल का यहाँ पर सेटअप बना हुआ था, यहाँ से मार्केट के नीचे आने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पहले से यहाँ पर एक्टिवेट हुआ भी था। और यहाँ पे देखोगे यहाँ से मतलब जहाँ से होल्ड कैंडल का सेटअप बना हम ट्रेड में यहाँ से हमारा अपसाइड का मोमेंट था, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ये इस तरीके का रेड कैंडल देखने को मिलेगा और यहाँ पे देख रहा हूँ जो यहाँ पे टारगेट था वो प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पे 1/3 कम हो चुका है। मतलब यहाँ पे 9000 से सीधा यहाँ पे 3000 यहाँ पे हो गया, मतलब सीधा एक तिहाई कम हो चुका है। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर अपने ट्रेड को यहाँ पे क्लोज करना ही होगा। अदरवाइज अगर क्लोज नहीं करना था हमें यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पर लाना होगा, बट मैंने यहाँ पे इसी के पास ही यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया। अगर नहीं एग्जिट करते तो यहाँ पर ये भी क्या होगा लॉसेज में ही चला जाता। ये सिंपल से यहाँ पे यही हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी यही माइंडसेट है कि कम से कम अगर हमें यहाँ पे 1:4 नहीं मिल रहा कम से कम इसको ट्रेलिंग एसएल पर तो एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, आगे मैं आने वाले दिनों में आपको ट्रेलिंग एसएल पर एक एडवांस कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतने। और हाँ, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि अभी आपको यहाँ पे इस पर कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। 30 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट हो जाने दो, इसका रिजल्ट देख लेना कैसा रिजल्ट आता है, अच्छा आता है बुरा आता है जैसा भी आता है वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तब तक आप यहाँ पर बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट आप यहाँ पर पेपर ट्रेड की तरह पेन और कॉपी लेकर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।